वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिटनेस टेस्ट, और हम बात करें अगर व्यू टू मैक्स की, यानी कि व्यू टू मैक्स को अगर मैं समझाऊं आपको कि हमारी बॉडी कितना जो है ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है और कैसे उसको फिजिकल एक्टिविटी करते समय यूटिलाइज करेगी, ये व्यू टू मैक्स है जिसको हम एरोबिक फिटनेस के रूप में भी देखते हैं। तो यू टेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू मेजर द एरोबिक फिटनेस ऑफ एन एथलीट। आज हम एक और टेस्ट करने जा रहे हैं जो कि यो यो टेस्ट। आप सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिटनेस टेस्ट, और हम बात करें अगर व्यू टू मैक्स की, यानी कि व्यू टू मैक्स को अगर मैं समझाऊं आपको कि हमारी बॉडी कितना जो है ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है और कैसे उसको फिजिकल एक्टिविटी करते समय यूटिलाइज करेगी, ये वी ओ टू मैक्स है जिसको हम एरोबिक फिटनेस के रूप में भी देखते हैं। तो यो यो टेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल टू मेजर द एरोबिक फिटनेस ऑफ एन एथलीट। और जहां हम देख रहे हैं कि फुटबॉल से सबसे पहले जो है जब इसको डिज़ाइन किया गया, इसको जो है वो बनाया गया था, तो फुटबॉलर्स के लिए यानी कि सॉकर प्लेयर्स के लिए बनाया गया था, और उसके बाद तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट की बात अगर हम करें या फुटबॉल की बात करें या हॉकी, इवन जो है वो इस वक्त जो है वो व्यू टू मैक्स चेक करने के लिए खिलाड़ियों की यो यो टेस्ट लगातार जो है वो कंडक्ट करता है। इसमें आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम रिकवरी लेवल वन और रिकवरी लेवल टू सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। रिकवरी लेवल वन थोड़ा सा जो है कम समय में, यानी कि उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलता है, और किस तरह से कंडक्ट होती है चीज़ें वो सब तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको कोन्स को एक 20 मीटर्स की डिस्टेंस में दो कोन्स को लगाया जाता है, या हम कहें कि दो लाइन्स जो हैं वो 20 मीटर्स की होती हैं, और उसी 20 मीटर की शटल को लगातार जो है आपको स्प्रिंट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम मेज़र नहीं हो रहा, बल्कि आपका सॉफ्टवेयर जिस बीप से जो बनाया गया है, उस बीप से पहले आपको 20 मीटर अप एंड डाउन जो है वो करना होता है। और अगर आप उसमें दो बार से ज़्यादा ट्रायल में अगर आप फेल होते हो, लेट आते हो, तो फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग के बाद आपको वहाँ से एक तरह से हटाया जा सकता है, कि आपका योयो का जो लेवल है वहीं पे देख लिया जाता है कि कितना टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है और टोटल जो आपका लेवल है वो क्या है, यानी कि 18.1 है, 19 है, 20 है, वो किस तरह से होगा, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे रिकवरी लेवल वन की मैंने जो बात की है, कुछ ऐसे एंड्योरेंस जो नेचर ऑफ एक्टिविटी के स्पोर्ट हैं, जैसे मैं अगर कहूँ क्रिकेट की बात अगर मैं करूँ, लंबे समय तक खेलना है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वर्कआउट नहीं है, लेकिन बीच बीच में इंटेंसिटी आती है और कहीं ना कहीं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर रिकवरी लेवल वन जो है वहाँ पर सुटेबल होता है। लेकिन वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल एंड हॉकी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली रिकवरी लेवल टू भी अब जो है वो यूज़ किया जाने लगा है, जहाँ पे जल्दी जल्दी वो बीप्स बजती है, यानी कि यू हैव टू मेंटेन योर इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू द बीप, तब जाके आप जो है उस रिकवरी जो 10 सेकंड की रिकवरी आपको, हाँ ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 20 मीटर के बाद आपको हर 20 मीटर के बाद, यानी कि 40 मीटर के बाद जब आप दो शटल करेंगे 20 मीटर अप एंड 20 मीटर डाउन, उसके बाद आपको करने के बाद अप एंड डाउन शटल करने के बाद 10 सेकंड्स की रिकवरी दी जाती है, और उस 10 सेकंड्स में रिकवर होने के बाद, यानी कि वो एक तरह से इनसफिशिएंट रिकवरी है, आप पूरी तरह से प्योरली फ्रेश नहीं हो रहे हो, बस आपको जो है वो एक तरह से छोटा सा रिकवर करने को मौका मिलता है। जैसे हम फुटबॉल में अगर हम देखें तो कई बार हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं बॉल के साथ, लेकिन ऑफ द बॉल हम रहते हुए भी कैसे हम अपनी इंटेंसिटी को मैच करें, कभी कभी हमें छोटे छोटे गैप मिल जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा जो है अपने आप को रिकवर कर पाते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। तो इसीलिए इस तरह के टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है कि आपको 10 सेकंड की रिकवरी भी यहाँ पे दिए, और जो कि इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है, और उसके बाद देन अगेन यू हैव टू रन 20 मीटर अप एंड 20 मीटर डाउन, और उसके बाद फिर से आपको 10 सेकंड की रिकवरी मिल जाती है। तो हाउ टू कंडक्ट दिस टेस्ट, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हो, और बहुत कम समय में, लगभग रिकवरी लेवल वन की बात करें तो बहुत अच्छे लेवल के एलीट एथलीट की भी बात करें हम, तो ये 15 मिनट से या 10 मिनट से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अगर हम रिकवरी लेवल टू की बात करें तो वहाँ पर और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि बीप्स जो है वो और ज़्यादा जल्दी आपको और जल्दी मिलता है, यानी कि आपकी रिकवरी तो सेम रहेगी लेकिन फास्टर आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा जिससे कि आप उस बीप को मैच कर पाओ। तो वहाँ पे आपका 7.5 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट से ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप एलीट लेवल की एथलीट्स की भी बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और हाउ टू कैलकुलेट द वी ओ टू मैक्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ दिस टेस्ट, तो वो भी मैं आपको अंत में बताऊँगा। तो फिलहाल मेरे साथ आप लगातार बने रहिए।
टू कंडक्ट दिस टेस्ट आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें स्पीकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक सॉफ्टवेयर जो कि फ़ोन में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको करके आप जो है आसानी से इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कैन यूज़ दिस टेस्ट टू मेज़र द एरोबिक फिटनेस और द वीओ टू मैक्स। कैसे ये होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है उसको जो है हम पेयर करेंगे ब्लूटूथ के साथ, जो स्पीकर है उसके साथ, और उसको जो है हम शुरुआत इस प्रक्रिया को करेंगे। 5 4 8 1 बीप से स्टार्ट करना है। इस तरह जो है वो बीप्स को मैच करके आपको 20x2 यानी कि 40 मीटर जो है वो कवर करना होगा, और 10 सेकंड्स की जो रिकवरी है वो इस तरह से यहाँ पे होगी, और उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट बीट के साथ स्टार्ट करना होगा। अभी लेवल 12.1 जो है वो स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे डिस्टेंस लगभग 200 मीटर जो है वो एथलीट्स ने कवर की है, जिसमें 5 शटल लगभग हो चुकी है और टाइम जो है वो 1:45 के आसपास है। नाउ ऑफ द लेवल 12.2 स्टार्ट्स एंड स्पीड इज़ 13.50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है ये लगातार शटल के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहेगी, और एथलीट को जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा हायर इंटेंसिटी के साथ इस जो बीप है उसको जो है मैच करेगा। इस टेस्ट की जो एक खूबसूरती है वो ये कि आप इसको मल्टीपल लोगों के साथ जो है कंडक्ट कर सकते हो। एक ही टाइम में आप ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में आप 10 से 12 या 5-7 लोगों को जो है आराम से टेस्ट कर सकते हो इनका एरोबिक फिटनेस, और उनको जो है जितना भी लेवल वो कंप्लीट करते हैं उसको टको रिकॉर्ड करके आप आसानी से व्यू टू मैक्स तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक वन फर्स्ट वार्निंग। दो वार्निंग एथलीट्स को दी जाती है, और अगर बीप को मैच करने में दो बार जो है एथलीट सेम एथलीट फेल होता है तो उसे हम जो है यहाँ से डिबार कर देते और उसे डिस्क्वालीफाई करके जितना भी लेवल उसका उसने कवर किया होता है उसको नोट डाउन कर दिया जाता है। व्यूटू मैक्स कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ डिस्टेंस की। जितना इंडिविजुअल डिस्टेंस कवर करेगा, माना 200 मीटर डिस्टेंस अगर कवर किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0136 के साथ, और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे 45.3 के साथ। ये पूरा जो वैल्यू या अमाउंट जो वहाँ पे आएगा वो व्यूटू मैक्स आपका ML यानी कि मिलीलीटर के रूप में वहाँ पे आपको यूनिट के रूप में मिल जाता है। रिकवरी लेवल 1 के लिए वी ओ टू मैक्स का फॉर्मूला अलग होगा, जहाँ पे डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 0.0084 और प्लस 36.4 के साथ आप वी ओ टू मैक्स निकाल पाएंगे।